नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सोशल साइंस का पहला लेसन, भारत के संसाधन। इसके जो निबंधात्मक प्रश्न आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, उन प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बड़ा प्रश्न आता है कि मिट्टियों का प्रकार, वितरण और विशेषता, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उनका क्या क्या प्रकार है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं और उन मिट्टियों की क्या क्या विशेषताएं होती है और भारत में वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो आइए हम चलते हैं मिट्टियों के प्रकार, उनके वितरण और उनकी विशेषताएं। तो भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियों के प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, ये प्रमुख प्रकार की मिट्टियाँ पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई। तो सबसे पहले हम चलते हैं जलोढ़ मिट्टी की तरफ। जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं या चिका मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही चिकनी होती है और नदियों के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है और बाढ़ का पानी उतरने के पश्चात जो उपजाऊ मिट्टी बच जाती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है और चूना और पोटाश जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अब इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कपास की मिट्टी भी कहते हैं या रेगड़ की मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। काली मिट्टी का जो रंग होता है वह बहुत ही काला होता है और इसके कणों की जो बनावट होती है बहुत ही बारीक और बहुत घनी बनावट होती है, ताकि इसमें बहुत देर तक जल और नमी इसमें ठहर सकती है। काली मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जो चार प्रमुख तत्व हैं इनकी उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन का इसमें अभाव होता है। कुछ रासायनिक तत्वों की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। काली मिट्टी जो होती है मुख्य रूप से कपास और दालों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट में, भारत में यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, खानदेश, कर्नाटक के जो उत्तरी ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जिला संभाग है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो होती है यह मिट्टी शुष्क मतलब सूखी और तर जलवायु में जो प्राचीन जो चट्टानें होती है उन चट्टानों से टूट टूट कर बनती है। लाल मिट्टी का रंग लाल रंग का होता है और यह मक्की की जो फसल होती है उस फसल के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होती है। कहीं कहीं इस लाल मिट्टी का रंग भूरा भी होता है। लाल मिट्टी जो होती है यह रंध्रयुक्त होती है और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी भारत के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक यह मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी आती है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान। तो राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र और गुजरात का जो कच्छ के रण का क्षेत्र है वह पूरा रेगिस्तानी एरिया कहलाता है और वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है, जिसमें बालू प्रधान मिट्टी होती है। बालू रेत के कण होते हैं। ये कण बहुत मोटे मोटे होते हैं जिनमें पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर नमी बहुत कम होती है। अतः जब यह मिट्टी जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा कच्छ के रंस की ओर से उड़कर राजस्थान के पश्चिमी सिरे पर जमा हो जाती है। इस मिट्टी की एक विशेषता होती है कि यह मिट्टी जो होती है वो खारी होती है। खनिज नमक बहुत अधिक इसमें पाया जाता है और पानी की मात्रा बहुत ही इसमें कम होती है। अब कहाँ पाई जाती है तो मैंने आपको बता दिया, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा और गुजरात, पंजाब, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली है पर्वतीय मिट्टी। पर्वत मतलब पर्वतों के ऊपर या वहाँ के तलहटी क्षेत्र में आने वाली मिट्टी। यह मिट्टी हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत पतली होती है, दलदली होती है और छिद्र वाली होती है, ताकि इसमें नमी बहुत आसानी से आ जाए। अब इसके अंदर हम एक बात देखते हैं कि यह मिट्टी जो होती है वो असम, मसूरी, हिमालय और दार्जिलिंग और कुछ जो पहाड़ी भाग होते हैं वहाँ पर यह बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है।
तो यहाँ पर ही आपका प्रश्न समाप्त होता है, मिट्टियों के प्रकार जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय, पर्वतीय। तो इस वीडियो का आप 2 या 3 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।